हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पूनम सरका किचन में। आज हम बनाएंगे धनिया की चटपटी चटनी, जो कि हम पकोड़े और कटलेट के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आज हम इन्हें बनाएंगे धनिया की डंडी के साथ। अक्सर लोग इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम इन्हें यूज़ करेंगे। और वैसे भी इन 2 महीनों में धनिया अवेलेबल नहीं होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक और बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है हमारी। मैं इसमें 2 मिर्ची डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 लहसुन की कलियाँ डाल दूंगी। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ हम बहुत ही टेस्टी चटनी बनेगी हमारी, बिल्कुल बाजार जैसी रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी हमारी। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही, मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और तब हमारी चटनी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें नींबू डाल सकते हैं अगर आपको नींबू पसंद है तो। मैं इसमें दही यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, तो चलिए करते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को तो दबा ही दीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। हमारी हेल्दी चटनी बनके रेडी है। ये देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चटनी बनके हमारी रेडी है। टेस्ट में तो ये बहुत ही अमेजिंग होती है। आप इसको पकौड़े, कटलेट किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। खाने के साथ तो ये 4 चांद लगा देती है। तो अब से आप भी धनिया के स्टेम्स को फेंके मत, उसकी बनाइए चटनी, और हेल्दी भी रहिए और टेस्टी भी खाइए। आप भी बनाइए और खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।